हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल SM क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फंजाई के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेनरा एगेरिकस के बारे में। इस वीडियो में हम एगेरिकस के स्ट्रक्चर, उसके सभी पार्ट और सभी पार्ट को डिटेल में बाई सेलुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखेंगे, तथा वीडियो में हम उसके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट TS ऑफ गिल्स के बारे में देखेंगे और उसके सभी पार्ट को डिटेल में जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं एगेरिकस के स्ट्रक्चर के बारे में। द मैच्योर फ्रूटिंग बॉडी कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट, दैट इज स्टाइप, पाइलियस एंड एनुलस। तो जो मैच्योर फ्रूटिंग बॉडी होता है वो थ्री पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे स्टाइप, पाइलियस और एनुलस कहते हैं। आइए वन बाय वन इनके स्ट्रक्चर और एनाटॉमी के बारे में जानेंगे और इनके जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टाइप के बारे में। यह स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इट इज़ द बेसल पोर्शन ऑफ द बेसिडियो कार्प। इन दिस रीजन द हाइफी रन लॉन्गिट्यूडनली पैरलर टू ईच अदर। ए टीएस ऑफ स्टाइप शोइंग दैट इट इज मेड अप ऑफ टू काइंड ऑफ टिश्यू, दैट इज कॉर्टेक्स एंड मेडुला। Compactly arranged hyphae in the peripheral region known as cortex and loosely arranged in central region hyphae is called medulla। तो अगर हम इस टाइप के बारे में बात करें तो ये दो तरह के टिश्यू से बना होता है, जो पेरीफेरल अर्थात चारों तरफ जो टिश्यू होते हैं उसको हम बोलते हैं cortex, और बीच में जो टिश्यू पाई जाती है उसको बोलते हैं हम medulla। आइए बढ़ते हैं एगेरिकस के नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर, जो कि है pileus। द स्टाइप एट इट्स टॉप सपोर्टिंग ब्रॉड अम्ब्रेला से स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पाइलियस। तो जो स्टाइप होता है, स्टाइप के ऊपर छाते नुमा एक बड़ी संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पाइलियस। द मेच्योर पाइलियस इज 5 to 12.5 centimeter इन डायमीटर। फ्रॉम द अंडर साइड ऑफ द पाइलियस हैंग्स अप्रॉक्स 300 to 600 स्ट्रिप और प्लेट। दिस टिश्यू आर कॉल्ड गिल्स और लैमली। तो पाइलियस के नीचे स्ट्रिप पाई जाती है या प्लेट नुमा संरचना पाई जाती है, जिनकी संख्या 300 से 600 होती है। इस संरचना को हम बोलते हैं गिल्स या लैमली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। द गिल्स आर वाइट और पिंकिश इन यंग कंडीशन एंड टर्न ब्राउन और पर्पल्स ब्लैक एट मैच्योरिटी। यंग कंडीशन में जो गिल्स होता है उसका कलर वाइट या पिंकिश होता है, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसका कलर ब्राउनिश हो जाता है या फिर पर्पल ब्लैक कलर का हो जाता है। यदि गिल्स के TS अर्थात ट्रांसवर्स सेक्शन को देखें तो ये थ्री पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं ट्रामा, सेकंड को सब हाइमेनियम और थर्ड है हाइमेनियम। तो बात करें यदि हम फर्स्ट पार्ट की, ट्रामा की, इट इज़ मिडिल पार्ट ऑफ द गिल्स। दिस रीजन इज मेड अप ऑफ लूजली अरेंज इंटरवेन मास ऑफ प्लेक्टेन काइमेटस टिश्यू ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल हाइफी। दिस हाइफी रन मोर और लेस लॉन्गिट्यूडनली। तो ट्रामा गिल्स का मिडिल रीजन होता है, जो कि प्लेक्टेन काइमेटस टिश्यू का बना होता है। जो प्लेक्टेन काइमेटस टिश्यू होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और ये लूजली अरेंज होते हैं। चलते हैं सेकेंड रीजन की ओर, जो कि है सब हाइमेनियम, जिसे हम हाइपोथेसियम भी बोलते हैं। द हाइफी ऑफ द ट्रामा रीजन कर्व आउटवर्ड्स टूवर्ड ईच सर्फेस ऑफ द गिल्स। दे एंड इज स्मॉल डायमेट्रिक सेल्स फॉर्मिंग ए कॉम्पैक्ट लेयर नोन एज सब हाइमेनियम। तो ट्रामा रीजन की जो हाइफी होती हैं वो बाहर की ओर मुड़ जाती हैं और जो संरचना बनाती है उसी को बोलते हैं हम सब हाइमेनियम। और सब हाइमेनियम सेल जो होती हैं वो डायमेट्रिक होती हैं अर्थात दो तरह की संरचना वाली होती हैं, और ये कॉम्पैक्ट मतलब एक दूसरे से एकदम जुड़ी हुई होती हैं। इनके बीच जो गैप होता है वो कम होता है, जबकि ट्रामा में जो था कि जो कोशिकाएँ थी उनके बीच स्पेस अधिक था, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। आइए चलते हैं थर्ड रीजन की ओर, जो कि लास्ट रीजन है, जिसे हम हाइमेनियम के नाम से जानते हैं। हाइमेनियम इज़ आल्सो कॉल्ड थेसियम। तो हाइमेनियम को हम थेसियम के नाम से भी जानते हैं। आइए बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, कि इस लेयर के क्या क्या कैरेक्टर हैं, इसमें किस प्रकार की सेल पाई जाती हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या है। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर एंड लाई ऑन द सर्फेस ऑफ सब हाइमेनियम कवरिंग द बोथ साइड ऑफ द गिल। सम ब्रांचेस इमर्ज आउट ऑलमोस्ट एट राइट एंगल टू द सब हाइमेनियम एंड डेवलप ए पैलिसेड लाइक लेयर कंसिस्ट ऑफ पैलिसीडिया विच आर फर्टाइल एंड पैराफाइसिस विच आर स्टराइल। सम ऑफ द स्टराइल सेल बिकम इनलार्ज एंड प्रोजेक्टेड बियॉन्ड द बेसिडियल लेयर, दे आर कॉल्ड सिस्टीडिया। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि जो हाइमेनियम रीजन है वो सब हाइमेनियम के बाहर की ओर पाया जाता है और ये गिल्स का सबसे बाहरी भाग होता है, और इसमें दो तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक बेसिडियम
बेसिडियम सिंगुलर है जबकि बेसिडिया प्लूरल वर्ड है। तो जो बेसिडियम होता है वो आपका फर्टाइल रीजन होता है क्योंकि यहाँ पे बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जबकि कुछ स्टेराइल रीजन होते हैं, बांझ कोशिकाएँ होती है जिन्हें हम बोलते हैं पैराफाइसिस। आप इमेज में देख सकते हैं पैराफाइसिस ये स्टेराइल रीजन होता है जबकि जो आपका बेसिडियम है वो फर्टाइल होता है। क्यों फर्टाइल होता है? क्योंकि इसी में बेसिडियोस्पोर बनती है। और बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि मियोसिस के थ्रू चार न्यूक्लियस बनते हैं और वही न्यूक्लियस बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं।